नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को चुनावी मैदान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि इसका असर आने वाले पांचों चरणों के चुनाव पर पड़ने वाला है। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि गांधी परिवार जहां से हारता है वह फिर दोबारा नहीं जाता है। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। सीपीआई नेता अतुल अंजान का लखनऊ में निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। गाजीपुर के सांसद और सपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से दाखिल गवर्नमेंट अपील के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अब आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले इंदौर से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार मोती सिंह पटेल ने याचिका खारिज होने के बाद एक बार फिर कोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दोपहर 2 बजे से सुनवाई करेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उनके कांग्रेस साथ कुछ चहेते कार्यकर्ता होते हैं, जनता साथ नहीं। गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस साइबर सेल की टीम तेलंगाना में मौजूद है और जिन 4 लोगों को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया उनसे दिल्ली साइबर सेल पूछताछ करेगी। सोने और चांदी के दामों में मजबूती बनी हुई है। शुक्रवार 3 मई 2024 की तारीख के दामों को देखें तो इनमें मामूली बढ़त देखी गई है। बाबा वेंगा के अनुसार साल 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की जा सकती है। इस साजिश में कोई और नहीं बल्कि उनके ही देश के लोग शामिल हो सकते हैं। बाबा वेंगा की अगली भविष्यवाणी आर्थिक संकट से जुड़ी है। बाबा के अनुसार साल 2024 में पूरा विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर सकता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में कैंसर के साथ कई लाइलाज बीमारियों का उपचार मिल सकता है। महाराष्ट्र के महाड़ में शिवसेना उद्धव गुट के नेता सुषमा अंधारी के लिए आया हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सुषमा अंधारी हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। टिकट कटने के बाद पूनम महाजन ने अपने पिता प्रमोद महाजन का एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट की है। इसमें उन्होंने कहा कि सब कहते हैं कि मैं आपकी राजनीति का सारांश हूँ। शरद पवार ने कहा कि सांगली लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा एमबीए घटकों के बीच मशवरा के बिना की गई थी। पालघर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने हेमंत विष्णु सावरा को टिकट दिया है। पालघर सीट का मामला बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के बीच में अटका हुआ था। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सभी की निगाहें बारामती सीट पर टिकी हुई है क्योंकि यहां पर मुकाबला पवार बनाम पवार के बीच ही है। इस सीट पर सुप्रिया सुले के सामने इस बार अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही है। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत में आज बाजार फिर ऑल टाइम हाई लेवल के बेहद करीब कारोबार कर रहा था और बाजार खुलने के तुरंत बाद निफ्टी ने नया हाई बना लिया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।